गुड इवनिंग। आज फिजिक्स की यूनिट 2 ऑफिशियली स्टार्ट कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मुझे लगा है इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा हो गया है। और दूसरी बात, उसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, तो वो हम जैसे ही हमारा विंटर्स आएंगे तो उसमें लगातार 100-150 क्वेश्चन और कर लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी इनफ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने 99.99% कर दिया, 2 क्वेश्चन का चांस कोई भी नहीं लेता, मैं करा दूंगा उसे, ठीक है। एक हमारा ड्रॉप वाला बचा है, ठीक है, और दूसरा एक हम पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होते हैं, अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं यहीं कवर कर दूंगा, नहीं तो हम सेशन में तो करेंगे ही कवर, ठीक है। बात कर रहे हैं यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। काफ़ी मज़ेदार, और दूसरी बात, बहुत छोटी यूनिट है। बहुत छोटी क्यों है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर 20 होता तो ये 19 है, वो अगर 100% था तो ये 75 है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट से डील करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला मॉड्यूल है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड है। किया क्या क्या है वो, कि पहले अगर चार्ज रेस्ट में हो तो क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर चार्ज का मोशन हो जाता है, तो मोशन से 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में मैग्नेटिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, इट इज़ अ द, लिख लो, ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेसिफिकली फिजिक्स, ठीक है, विच डील्स विद किससे डील्स करता है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म मोशन होता है उससे ये डील करता है। प्रोटॉन तो कभी भी नहीं जा पाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स ही बनाएंगे। तो ऐसी एक ब्रांच साइंस की जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन का मोशन को स्टडी करना है, वो हमारी कौन सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बेसिकली बात है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, इसे कभी कभार कैपिटल आई या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, जरा हम ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग, इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या आप बोल सकते हो इट इज़ दी फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि आपका कौन है, इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट टाइम, मतलब इन 1 सेकंड। नीचे वाली चीज़ को यूनिट करना है ना, और ऐसा यूनिट चलेगी तो आपका सेकंड आएगा। या सबसे बढ़िया क्या है, देखिए, अगर अपॉन में टाइम आ जाए तो हम उस डिफरेंशिएशन को रेट बोलते हैं। जब अगर डिस्टेंस आ जाए तो आपने पिछली क्लास में या पिछली यूनिट में पढ़ा था, ग्रेडियंट कहते हैं। पर आज हम पे क्या है, आज हम पे फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम। तो अपॉन में अगर टाइम आ जाए तो उसे हम रेट कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या जिसे हम बोलते हैं चार्ज को, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आपका जो करंट का फॉर्मूला बना वो आपका कुछ ऐसे बना। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे करंट बहुत तरह से निकलते हैं, तो हम बात कर रहे हैं अभी एवरेज करंट की। तो ये जो हमारा एवरेज करंट है, ये कुछ और नहीं होगा, ये होगा चार्ज अपॉन टाइम। बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, तो अगर हम इसे बढ़ा दें तो क्यू को लिख सकते हैं हम प्लस माइनस एनी, और बाई कितना, टी, ठीक है। ये तो हमारा कौन सा करंट हुआ, एवरेज करंट हुआ, क्लियर है इतनी बातें। ये हमारा एवरेज करंट हुआ कि 1 सेकंड से 5 सेकंड चले तो कितना है, ठीक है। एक और निकलेगा, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स से पढ़ के आए हैं, दो तरह की चीज़ें निकलती हैं हर फिजिकल, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो अगर हम यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस मतलब जो एकदम से होगा, 1 सेकंड से भी कम समय में होगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट कुछ नहीं होता, d/dt होता है, किसका, क्यू का। बच्चों, ये जो d/dt वाली टर्म है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो आसानी से आप देख सकते हो कि dQ/dt कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो खुद वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से एक है। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, मोल,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसमें करंट भी आता है, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर आप यहीं से इसकी यूनिट निकालना चाहें तो इसकी यूनिट कितनी आएगी, मैं बात कर रहा हूँ SI यूनिट की, SI यूनिट जो होगी आपकी वो कितनी आएगी, तो आप देख सकते हैं कि SI यूनिट इसकी हमेशा एम्पियर होती है, AMPER, एम्पियर कैपिटल A, ठीक है। अगर मैं इसकी डेराइव यूनिट देखूँ, डेराइव मतलब जो फॉर्मूले से निकलेगी, तो क्या होगी, देखिए चार्ज अपॉन टाइम है, चार्ज होता है कूलम, टाइम होता है सेकंड, तो ये आएगा कूलम पर सेकंड। पर अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो तो पर मत लगाए करो, कूलम सेकंड इन्वर्स लिखे करो, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो इटसेल्फ क्योंकि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, तो इसका डायमेंशन होता है ए। इतनी सारी बातें इलेक्ट्रिक करंट की हमें बेस बनाने के लिए पढ़नी होगी, ठीक है। दो तरह के हम पे करंट होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एक करंट की एक और क्लास आती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत यूज़फुल है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट, आपने वोकैबुलरी सुनी होगी, ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए जीने वाला, ट्रांजिएंट इसको हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड करंट। तो ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं I और यहाँ पे TR, TR मतलब ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ट्रांजिएंट करंट कुछ और नहीं होता, अगर D से भी छोटा, जो D है डिफरेंशियल, उससे भी छोटा अगर हमें चार्ज मिल जाए और उतना ही छोटा हमें टाइम मिल जाए, तो उसे हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। बहुत ही छोटा, इससे छोटा करंट पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सबसे छोटा जो हमारा चार्ज सिस्टम होता है वो एटम होता है, तो एटम में जो करंट फ्लो करता है वो ट्रांजिएंट होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, एकदम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और एकदम से नीचे भी आ जाते हैं, मतलब उनमें ट्रांजिशन बहुत कम समय में होता है, नैनो सेकेंड में होता है, इसलिए वहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगी उसे हम ट्रांजिएंट करंट कहेंगे। तो उसके लिए हम लगाते हैं बेटा डेल, डेल क्यू, डी नहीं है, डेल है, डेल क्यू बाई डेल टी, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होती। ये आपसे कभी कभार नीट या मेडिकल में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे याद रखना डेल क्यू बाई डेल टी होता है। डेल आपका क्या चीज़ होती है, डेल्टा होता है। एक डेल्टा आपने और सुना है ट्राइंगल वाला, ठीक है, वो भी एक जगह अपना सही है, ठीक है, इतना समझ लेना। मतलब वो डेल्टा का बात है जब हम एवरेज निकालना चाहें, ऐसे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो हमने पढ़ाई था। पर इनिशियली चार्ज हमेशा जीरो होता है, क्यू माइनस जीरो, और जब जीरो चार्ज रहा होगा तो हमारा ऑब्जर्वेबल टाइम भी जीरो होगा, तो इनिशियल क्वांटिटी जीरो रहती है, इसलिए इसको हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की जगह क्यू बाई टी भी लिख देते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को बेस बनाने के लिए थी। अब बात करते हैं हम कि ये जो हमारा करंट है बेसिकली, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ऑब्वियसली इट इज़ स्केलर। पर सर इसकी तो डायरेक्शन होती है, कि अगर कोई हम पे कंडक्टर हो और अगर यहाँ प्लस माइनस हो बैटरी का, तो करंट हमेशा वायर से प्लस से माइनस ही जाएगा, ये हमारा कंडक्टर है, तो आप सही कह रहे हो बच्चों। पर हर पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली चीज़ वेक्टर नहीं होती, टेम्परेचर भी वेक्टर नहीं है, टेम्परेचर हमेशा हाई बॉडी से लो बॉडी फ्लो करेगा, प्रेशर भी वेक्टर नहीं है, वो भी हाई प्रेशर से लो जाएगा, पोटेंशियल भी वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल भी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो वेक्टर है क्या असली में, वेक्टर ये है कि पहले तो मैंने बोल दिया स्केलर है, तो मैं आपको समझा देता हूँ स्केलर क्यों है। मान लो ये दो वायर है, हम पे लेट अस से इसमें करंट कैरी कर रहा है आई वन, छोटा मान लो बड़ा मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वन, और इधर करंट कैरी कर रहा है आई टू, ठीक है, बड़ा ही मान लो, और कोई भी एक एंगल जैसे इनके बीच का एंगल है यहाँ पे थीटा। तो मैं आपसे पूछूँ जो आई नेट होगा वो आई वन प्लस आई टू हो जाएगा। अभी मान लेते हैं कि ऐसे वाली डायरेक्शन दोनों की अप्रोच जो कर रहे हैं ना, ये ओ को, ओ ओ पॉइंट को अगर ये अप्रोच कर रहे हैं, ओ को वैसे जंक्शन बोला जाता है, आगे जाके पढ़ोगे जंक्शन, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो करंट मीट करते हैं। तो ये जो जंक्शन है यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं, तो मैंने दोनों के साइन प्लस ले लिए, ठीक है। तो या तो ऐसा करा जाएगा या तो ऐसा करा जाएगा, जैसे वेक्टर में करते हैं अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू और यहाँ पे कॉस थीटा। तो कौन सा सही है, क्योंकि आप बचपन से आपका बेस बना हुआ है इसमें, क्लास टेंथ में भी आप एंगल कभी कंसीडर नहीं करते थे, इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या आपकी गलत है। हम हमेशा ऐसे ही
अलजेब्रिकली इन्हें ऐड कर लेंगे। अलजेब्रिकली करा मतलब साइन देखें, एंगल नहीं देखा। तो स्केलर क्वांटिटी है ये, क्यों है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पे लिखते हैं इट फॉलोज़, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, इट फॉलोज़ स्केलर अलजेब्रिक एडिशन, स्केलर अलजेब्रिक एडिशन फॉलो होता है, इस वजह से ये हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। थोड़ा और इलेबोरेट करें इसे, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू टू वायर्स, यह जो हमारा नेट करंट है, इंडिविजुअल करंट भी जो I1 और I2 हैं और जो हमारे नेट करंट है I नेट, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वायर्स। और जब हम एंगल को कंसीडर नहीं करते तो कहाँ से वो वेक्टर एडिशन हुआ, फिर वो कौन सा एडिशन बन जाएगा, स्केलर एडिशन बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछें कि इंडीड की करंट की एक डायरेक्शन होती है जो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल होती है, तो इसका मतलब हम ये मान लें क्या ये वेक्टर है, तो नहीं, ये गलत है। वेक्टर असली में वो चीज़ है कि जिन के एडिशन या जिनके नेट या जो आप रिजल्टेंट निकालते हो उसमें हम अगर हम एंगल को कंसीडर करें तो वेक्टर बनता है। यहाँ पे तो हम एंगल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, बिकॉज इट डजेंट फॉलो, इट डजेंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, स्केलर या अलजेब्रिक एडिशन को करता है, इस वजह से इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, इतना आपको आ ही गया, चलिए बहुत बढ़िया। करंट आपने पढ़ लिया, अब करंट मेनली दो तरह का होता है, एक जिसको हम किसी अप्लाइंस या एपरेटस की मदद से मेज़र कर पाएं, और एक जिसको मेज़र नहीं करा जा सकता, बस उसे हाइपोथेटिकली माना जाता है। कैसे माना जाता है ज़रा देखते हैं। तो हम एक कंडक्टर बना देते हैं, ये हमने एक कंडक्टर बना दिया और इस कंडक्टर के दो एंड हैं, ए एंड बी एंड, इन एंड्स में हमने वायर की मदद से बैटरी लगाई। जो बड़ा होता है बैटरी में वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो होगा क्या, इस पॉजिटिव की वजह से ये ए जो होगा ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो बी होगा क्योंकि वो नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कंडक्टर की पहचान क्या होती है कि कंडक्टर में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, जैसे मैंने कुछ मिनिस्कल क्वांटिटी में बना दिए। तो आप खुद सोचिए इलेक्ट्रॉन खुद कैसा होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और अगर हमने यहाँ पे एंड्स में कुछ पोटेंशियल दे दिया, तो आप इलेक्ट्रॉन का मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव जो है बी का वो इसे रिपेल करेगा, तो यहाँ से इन्हें ड्रिफ्ट करेगा, भगाएगा। और क्योंकि ए अब भागेंगे ये तो कहीं भी भाग सकते हैं, इधर भी ऊपर भी, ये तो हमने वहाँ पे पॉजिटिव भी इंश्योर करा है, क्योंकि अगर ये बी का नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन जो कि खुद भी नेगेटिव हैं, नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, तो बी का नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ए का पॉजिटिव इन्हें अट्रैक्ट करेगा। इतनी बातें क्लियर हैं। बी का नेगेटिव हर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हर को, एवरी, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है इलेक्ट्रॉन की कि रुक जाए या अपोज करे, सब के सब उधर ही भागेंगे। ठीक है, तो जो बी के इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और ए का पॉजिटिव उन्हें अट्रैक्ट करेगा। बेटा एक नेट मोशन आ गया इलेक्ट्रॉन का, जो कहाँ है, फ्रॉम बी टू ए है, एक इलेक्ट्रॉन का हम पे नेट मोशन बन गया जो बी से किसकी तरफ है, ए की तरफ है। इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पर यूनिट टाइम, इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को पर यूनिट टाइम हम एक करंट बोलते हैं, और इस करंट का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसको हम आई और बेस में ई से डिनोट करते हैं। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, इट इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टूवर्ड्स अपोजिट एंड। अपोजिट एंड मतलब जिनका पोटेंशियल अपोजिट हो। अगर इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागेंगे। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि पॉजिटिव हमेशा ए ही हो, बैटरी पलट दो अब बी पॉजिटिव हो जाएगा, पर हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे और उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ये मोशन हम पर यूनिट टाइम देखें। ये जो आई ई होता है ये इमीजरेबल होता है। इसका मतलब इसे मीजर नहीं कर सकते, नॉट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। एटॉमिक स्केल में है सारी बातें, इलेक्ट्रॉन का मोशन कभी भी ऑब्जर्व नहीं हो सकता। ट्रेजेक्टरी देख सकते हो कि कैसे उसने ट्रेजेक्टरी बनाई, पाथ कैसे ट्रेवल करा, पर मोशन नहीं देख सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। आपने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा है कि अगर आप श्योर हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में, आप पोजिशन श्योर हो, मतलब आपको पता है इस कंडक्टर में है, तो आप मोशन या वेलोसिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई तो IE जो है इमेजरेबल है, नॉट ऑब्जर्वेबल है। तो हम लोगों ने इसका तोड़ निकाला। हम लोगों ने तोड़ क्या निकाला? हमने बोला कि एक ऐसा करंट भी होगा जो इस इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसके इक्वल एंड अपोजिट हम अपने मन से कोई करंट मानेंगे और उसे मेजर भी करा जा सकता है। वो करंट कौन सा होता है? वो करंट वही होता है जो वायर से फ्लो करता है इन पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से। एक करंट आप बचपन से ही बना रहे हो जो पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव को आता है। इस करंट को हम IC बोलते हैं। IC आपका क्या है? कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होता है? जो वायर से फ्लो करता है, फ्लो थ्रू वायर, जो वायर से फ्लो करेगा उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट क्योंकि ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा कन्वेंशनल करंट जो होगा वो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट के। मतलब दो वेक्टर तो नहीं बोल सकते पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी या एक दूसरे को ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे। बाद में जाके यही अपोजिशन वाली चीज़ रेजिस्टेंस बन जाती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता चला दो हम पे करंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे तो जो भी पॉजिटिव होगा उस तरफ जाएंगे। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहाँ से देखनी है? बैटरी की मदद से। बैटरी का जहाँ पॉजिटिव एंड है वहाँ से वो चलना शुरू करेगा और नेगेटिव को टर्मिनेट या एंड होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई? अच्छा, कन्वेंशनल करंट को ही हम मेजर करते हैं, इसी को हम मेजर करते हैं। सर मेजर करते हैं किससे करते हैं? तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो एमीटर होता है जिसको हम सीरीज़ में लगाते हैं, आपको पता ही है, एमीटर से मेजर करते हैं, और एक नई चीज़ आ जाएगी गैल्वेनोमीटर। इन दोनों से हम कन्वेंशनल करंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इनमें से एक एमीटर है और दूसरा क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इन दोनों से हम इसे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे से अब इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात मत करना, इलेक्ट्रॉनिक करंट हम मेजर नहीं कर सकते। सारी बातें आज के बाद कन्वेंशनल करंट की होगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, शाबाश। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है हेयर, इलेक्ट्रॉन मोशन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ये 90% लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता। ये एटॉमिक स्केल है, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स के जो लॉज हैं वो फॉलो नहीं होते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसे बिहेव नहीं करता, वेव के जैसे बिहेव करता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो वेव के जैसा होगा, पार्टिकल के जैसा नहीं होगा। तो हम इतने फ्री नहीं हैं कि इसका मोशन ऐसे ही ऑब्जर्व या प्रिडिक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होगा इज प्योरली वेव मोशन। यहाँ पे जनरली कौन सा मोशन होगा? वेव मोशन होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ? इस एंड से इस एंड, और कभी ज़रूरत पड़ी तो बाहर भी आ जाएगा, पर मेनली वो कन्फाइंड कहाँ से है? बी से ए या ए से बी है। क्लियर इतनी बातें?
शाबाश। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो ये डिफाइन कैसे होता है। देखो लाइट अप्लाइंसेस सबके घर में है, बल्ब हो गया, CFL हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सबके घर में है। अब मान लो मैं तुम्हारे रूम का एक छोटा सा यहाँ पे मिनिएचर वर्जन दिखाता हूँ, लेट अस से ये हम पे बल्ब है, ठीक है। यहाँ मैंने एक की लगा रखी है टैप वाली, जिसको तुम स्विच भी मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी मेन सप्लाई है, तो मेन सप्लाई को हम ऐसे बना लेते हैं, AC है ये, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसा सिंबल होता है। अगर बुरा मान रहे हो तो बैटरी बना लो, प्लस माइनस V पोटेंशियल की बैटरी, प्लस और माइनस, स्विच को टैप कर दिया। तो आप मुझे बताओ बल्ब में क्या होता है। चलो बल्ब क्या, LED देखो, जैसे LED है एक छोटी सी, तो उसमें क्या होता है, एकदम से इंस्टेंटली ग्लो कर जाता है या थोड़ा टाइम लगता है। बल्ब में तो वार्म होता है, बल्ब छोड़ दो, LED की बात करते हैं, लेट अस से ये LED ही है, LED है, और CFL भी इससे ही बनता है, छोटी छोटी LEDs होती हैं उसमें। तो ये जो LED है, तो ये एकदम से जल जाती है इंस्टेंटली या थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग देख ही पाते होंगे एकदम से जलता है। थोड़ा और देखो, फ़ोन में टॉर्च होता है, फ्लैश लाइट होती है, वो भी एकदम से जलती है जैसे ही आप कमांड देते हो, टाइम तो नहीं लगता। तो मैं आपसे बोलूँ ये इंस्टेंटली होता है या नहीं होता, इंस्टेंटली होता है या नहीं होता। या यहाँ पे ऐसे होता है कि मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी से ना, बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, गया 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 गया, फिर जाया है यहाँ, और इसने इसे वार्म करा, ठीक है, वर्क फंक्शन होती है एक चीज़, उससे वार्म करा, और वर्क फंक्शन भूल जाओ, ठीक है, वार्म करा और ये ग्लो करने लग गया। तो इतना टाइम लगता है या एकदम से होता है, तो एकदम से होता है, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। होता क्या है कि इंस्टेंटली ही ग्लो करता है, ऐसा नहीं होता कि मान लो यहाँ पे ए है, चलो अभी ए तो यूज़ कर लेते हैं, यहाँ सी है और इसको मैं डी मानता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता, नेवर, कभी नहीं, नेवर हैज़ बीन, कभी नहीं होता ऐसा कि किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़े सी से डी, कि पहले सी से जाए डी पे और उसके बाद वो ग्लो हो, नहीं, इंस्टेंटली होता है, एकदम होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस एंड से, मतलब बैटरी के पॉजिटिव से वहाँ नेगेटिव तक जा रहा, मूव कर रहा है और फिर ग्लो हो रहा है, नहीं, एकदम से होता है। मतलब एकदम से कैसे होता है, उसीलिए तो मैंने वेव मोशन बताया। आपको पता है कोई भी वेव लो, एक्सरे लो, गामा रे लो, विजिबल रे लो, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो कहीं शुरू नहीं करता और कहीं ख़त्म नहीं होता, वो बस एक तरह का डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, वो कहीं शुरू नहीं होता, कहीं ख़त्म नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो वेव फॉर्म में होगा, पार्टिकल फॉर्म में नहीं होगा। तो वो काइनमेटिक्स के जैसे यहाँ से सी से ऐसे गाड़ी के जैसे यूँ ऊपर नहीं जाएगा, वेव के फॉर्म में होगा सारी चीज़ें, वेव मोशन होगा, ठीक है। तो सर इसे एक्सप्लेन करो कैसे होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। मान लो सारी बातें समझ में आ गई, इंस्टेंटली होगा, ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं है सी से डी। तो होता क्या है, मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हुआ, क्योंकि इसे बैटरी से कुछ पोटेंशियल मिला होगा, एनर्जी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया। जो बैटरी से इसे पोटेंशियल एनर्जी मिली वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और ये वाइब्रेट करना शुरू कर गया। उसके बाद इसने क्या करा, सॉरी आप ये देखो, ये जो वायर है, ये वायर भी खुद कॉपर की होगी, मतलब कंडक्टर होगी, और इस वायर में भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करेगा, धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, पर वो जो धक्का वाली फोर्स वाली चीज़ है वो वेव फॉर्म में होगी, तो हम उसे फोर्स भी नहीं कह सकते, हम उसे प्रेशर कहेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स में क्लास 11th में पढ़ा था, प्रेशर, उसी के फॉर्म में। तो होता क्या है कि जैसे ही सर्किट पूरा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है, सर्किट पूरा होता है, तो उसी समय ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ये मान लो 1 सेकंड के 1/10 मिलियन या 1 बिलियन
पार्ट में ये सारी चीज़ें हो रही है, नैनो नैनो सेकेंड में हो रही है, पिको सेकेंड में हो रही है, फेमटो सेकेंड में हो रही है। तो होता क्या है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को, नियर बाई इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेशंस मिलते हैं तो हर जगह वो वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। इसका मतलब जैसे ही यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन में कुछ हलचल हुई, उसी समय उसी इंस्टेंट बहुत कम समय में यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन में भी हलचल शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करना पड़ रहा, मूव कौन कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं है, वो इलेक्ट्रॉन वहीं है। मूव कौन करा, इनकी डिस्टर्बेंस। मूव कैसे करे, सिंपल हार्मोनिकली। मूव कैसे करे, प्रेशर की वजह से। तो वाइब्रेशंस मूव करे, जैसे होते हैं ना पानी में छप छप करो तो वाइब्रेशंस बनते हैं, तो ये पानी का मॉलिक्यूल इधर थोड़ी जाता है दूसरे एंड में, बस वाइब्रेशंस जाते हैं, मैटर का कभी ट्रांसफ़र नहीं होता, वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो वाइब्रेट करना शुरू करे, और उसी वाइब्रेशंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करना शुरू करा, वाइब्रेट करना शुरू करा। मैं आपको और अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ सी और डी है, मान लो सी में एक इलेक्ट्रॉन है और डी में भी एक इलेक्ट्रॉन है और बीच में रस्सी है। मान लो ई में आपने डिस्टर्बेंस करी ऐसे, तो क्या डी तक जाएगी वो डिस्टर्बेंस। अब आप खुद ही सोचो, एक इलेक्ट्रॉन जो है डी तक जाएगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी चल जाएगी। आप खुद सोचो, डिस्टर्बेंस ज़्यादा तेज़ चल जाएगी, या किसी बंदे को या कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा तेज़ी से चल जाएगी। डिस्टर्बेंस हमेशा लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में मूव करती है, बहुत तेज़ी से करती है, ठीक है। तो एकदम से डी में वाइब्रेशंस हो जाएंगे और यहीं का जो लोकल इलेक्ट्रॉन है वो इस बल्ब को जला देगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार डिस्कशन बड़ा हो जाता है पर याद यही रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसे आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि व्हेन अ बल्ब ग्लोज इन द सर्किट, does that means electron transfer from battery to bulb? ये question है कि जब कोई bulb glow करता है तो उसका मतलब ये है कि कोई electron battery से bulb की तरफ जाएगा, तो no, पहली बात, electron doesn't have to travel, पहली बात इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल नहीं करना पड़ता, कहाँ से, बैटरी से बल्ब की तरफ। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लोज टू बल्ब विल वाइब्रेट, वो खुद ही वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन मतलब ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये बात याद रखना। और हमारे बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए, ठीक है। क्लोज टू बल्ब विल वाइब्रेट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू इट्स, किसका, इट्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इट्स वेव नेचर। सो विद इन एन इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट में क्या होगा, जैसे स्विच बंद करा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेटअप हो जाएगी और वेव की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो वेव अगर सेटअप हुई तो उसी समय वो बैटरी के पास भी है और उसी समय वो बल्ब के पास भी है, वो जो वेव जनरेट हुई, जो वेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटेन करती है, ठीक है। तो विद इन एन इंस्टेंट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेटअप, बस इतना लिख लेना, समझ जाएगा एग्जामिनर, ठीक है, ये बात है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए अब इसके बाद अब हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बात करनी है, अब हमें बात करनी है एक इलेक्ट्रॉन असली में ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है। तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कुछ ऐसा होता है, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सीधा जाएगा। बच्चों एक गलत डिस्क्रिप्शन है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ होगा क्या,
ध्यान से देखना, ये कंडक्टर बनाया मैंने, ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। अब मान लो ये कंडक्टर आयरन का है, आयरन सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, तो होगा क्या बेटा, इस कंडक्टर में कॉपर के अपने एटम्स होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे कॉपर के एटम्स होंगे, सेम साइज़ के होंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। कॉपर का कटायन होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, चार्ज होगा, तभी तो ये वही इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मेटालिक बॉन्ड वाला है ना। तो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, मान लो इलेक्ट्रॉन ने चलना यहाँ से शुरू करा, इन्हीं का है ये, कॉपर पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम के अंदर से नहीं जाएगा, वो खाली जगह देखेगा। जैसे वैसे खाली जगह ये मिली, मान लो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, फिर ये रहा, यहाँ है, ये सारे कॉपर के एटम है, तो होगा क्या, इनसे वो बचना चाहेगा क्योंकि ये उसे अपोज करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन तो एक है, ये कितने सारे हैं ना, दादागिरी दिखाएंगे, तो फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ निकला, यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे, कैसा मोशन है ये, एक इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, खाली जगह या वॉइड में मूव कर रहा है। जब आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं इसलिए मैं बोलता हूँ, जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, जनरल साइंस, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं यहाँ। ये देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, स्ट्रेट मोशन नहीं, ज़िगज़ैग मोशन है। जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोशन होता है, एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसा होता है आपको पता चला, ज़िगज़ैग होता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूसली हर समय इलेक्ट्रॉन पे ये एटम्स जो हैं रिपल्शन लगाते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं, कोलिजन होता रहता है, ये टकराता रहता है इलेक्ट्रॉन इनसे। जैसे बाउंड्री से जाएगा तो ये वाइब्रेशन करते हैं ना ये, तो जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा तो ऐसे धक्का दे दिया, ऐसे जा रहा तो इधर को धक्का दे दिया, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे ज़िगज़ैग मोशन है, ठीक है। तो हमेशा ये जो कॉपर के एटम है अपने आप भी वाइब्रेट कर रहे होंगे ना, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसे धक्का लगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है धक्का लगा धक्का लगा धक्का लगा, तो ऐसे चलता है, ठीक है, तो ज़िगज़ैग मोशन होता है। तो ये याद रखना, क्यों होता है, बिकॉज कंटिन्यूसली नेटिव एटम्स, जो ये कॉपर है ना, नेटिव एटम्स ऑफ कंडक्टर, जो नेटिव एटम्स है कंडक्टर के, वो कोलाइड करेंगे, विल कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। बेटा एटम्स का साइज इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होगा, पता है ना, कटायन का साइज बहुत बड़ा होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, अनायन थोड़ी है, ठीक है, तो हमेशा टकराएंगे, तो ज़िगज़ैग मोशन होगा। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, स्ट्रेट नहीं, कैसे, ज़िगज़ैग, क्यों क्यों करता है, क्योंकि जो नेटिव एटम्स होंगे कंडक्टर के, वो इसमें हमेशा क्या करेंगे, इसके साथ कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से इसे अपने यूजुअल पाथ से हटना पड़ेगा, डेविएट होना पड़ेगा, ठीक है। बेटा इसी चीज़ को हम ज़िगज़ैग मोशन को नाम देते हैं असली में, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होना, क्या बोलते हैं इसे, ड्रिफ्ट बोलते हैं, जो ये ज़िगज़ैग मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये समझ में आया आपको, तब अब आपसे बोलें एक्चुअली में आज के बाद इलेक्ट्रॉन का मोशन होना कैसे है, यूजुअल केसेस में 90% केसेस में तो आपने बोलना है ऐसे होना है। बैटरी बना दी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू करा, पहले ऊपर गए, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, ऐसे जाता है, ज़िगज़ैग जाता है, ड्रिफ्ट होता है, ज़िगज़ैग मोशन है, ये याद रखना, ठीक है, शाबाश। सर ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, स्ट्रेट मोशन होता है तो हम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, ज़िगज़ैग मोशन में कैसे वेलोसिटी निकलेगी, निकल जाती है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन होगी, ठीक से उसे समझेंगे कैसी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट होना और उसका जो मोशन की वेलोसिटी होगी वो हम देखी जाएगी अब कैसे होती है। चलिए पहले मुझे आप एक बात बताइए, मैं शुरू तो करने जा रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर एक बात बताइए, लेट अस से वीडियो लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, एक बात बताइए मुझे, आपके घर में एक लोहे का टुकड़ा है,
कंडक्टर है वो? हाँ। कंडक्शन कर रहा है? नहीं। क्या उसमें, उस वायर में अगर आप बल्ब लगा दो वायर के थ्रू, जो आपका कंडक्टर है एक लोहे का टुकड़ा है, उसमें आप वायर के थ्रू बल्ब लगा दो तो वो जलेगा? नहीं, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? कुछ तो चक्कर होगा ना। वही चक्कर देखना है। ऐसा थोड़ी है कंडक्टर है तो हर समय कंडक्शन करेगा। नहीं, उसे भी एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। कंडक्टर मतलब क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना? नहीं, पाथ प्रोवाइड करना। जो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए पाथ प्रोवाइड करे वो हमारा कंडक्टर होता है। फ्लो कराता है वो, एनर्जी नहीं देता। ये आप लोग याद रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह की, पहले डेफिनेशन देख लो, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। एक तरह की एवरेज वेलोसिटी है विद विच एन इलेक्ट्रॉन, एक ही की बात करेंगे, गेट्स, क्या मूव करेगा ना, ड्रिफ्ट करेगा। किधर की तरफ? अपोजिट एंड की तरफ, और अपोजिट एंड हमेशा पॉजिटिव एंड होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट या खींचा चला जाता है। ठीक है, कब खींचा चला जाता है? जब आप बैटरी लगाते हो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अभी बताऊंगा। बैटरी क्या सेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से ये खींचा चला जाता है। मैं आपको बताऊंगा, बैटरी की मदद से पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर चार्ज पे फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से उसका मोशन होता है। तो ये आपको बात आगे पता चलेगी। ठीक है, तो आपको पता चला ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड या अपोजिट एंड, किसके इन्फ्लुएंस में, किसके असर पे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो आप वैल्यू नहीं याद करोगे, ऑर्डर याद करोगे, कितना होता है? 10^-4 मीटर पर सेकेंड होता है। पर सर, अभी तो आपने बोला इलेक्ट्रॉन वेव के जैसे मूव करता है, तो इसकी वेलोसिटी तो लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए, 3×10^8। आप तो हमें सपने दिखा रहे थे 10^8 के, आप सीधा -4 पे ले आए। तो बच्चे भूलो मत, अब कोलिजन भी होता है, बताया था ना, बी ड्रिफ्ट होता है कोलिजन। कोलिजन की वजह से इसका मोमेंटम या इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब 1% भी नहीं रह जाती जितनी इसकी स्टार्टिंग में थी कोलिजन की वजह से। ये देखना, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो आपके लिए रेस्ट में है, अंदर बहुत सारी हलचल हो रही है, अंदर उसके बहुत सारी हलचल हो रही है। ठीक है, ये चलिए, इतना सारा आपको समझ में आया, और अब शुरू करते हैं। चलिए, तो केस वन देख लेते हैं, आपको ये सारी बातें समझ में आई। केस वन देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है? जब कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी, व्हेन नो बैटरी इज अप्लाइड, जब कोई बैटरी अप्लाइड नहीं करी। ठीक है, कोई बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन गुंडे बने हुए हैं, कोई किसी की बात नहीं मान रहा, एक दूसरे को मारने काटने में दौड़ रहे हैं। कैसे? देखो, ये हो गया, ये हमने कंडक्टर बनाया, कोई बैटरी अभी अप्लाई नहीं है, ए और बी मान लेते हैं, लेंथ एल मान लेते हैं, है ना, ऐसा। अब हुआ क्या, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो नीचे को आया, तो यहाँ पे किसी ने अपना एरिया बना रखा था गुंडे ने, उसने बोला भाई कैसे आ रहा, लड़ गया इससे। इन दोनों का नेट मोशन कितना? 0। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, नीचे आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन जो दाई यहाँ है वो इसे काट रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो नीचे आ रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसे काट रहा। तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे के मोशन सारे, एवरेज मोशन 0 आएगा। ये आप याद रखना, एवरेज नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो जब हम कोई बैटरी अप्लाई नहीं कर रहे, देन द नेट मोशन ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेट मोशन जो है सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इज 0। क्यों? सिंस दे कैंसिल आउट ईच अदर्स मोशन, एक दूसरे के मोशन को ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है ना, इसकी वजह से नेट मोशन कितना होगा? 0 होगा।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, जब तक कुछ नहीं है तो सब पे कौन सी एनर्जी होती है? जब कोई एनर्जी नहीं होती तो हर इलेक्ट्रॉन पे कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी होती है। ये थर्मल एनर्जी क्यों आती है? ये रूम टेम्परेचर की वजह से आती है, जो 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस भी एक हाई टेम्परेचर है, जैसे मछली के लिए बहुत ज़्यादा होगा ये टेम्परेचर, है ना, नीचे पानी ठंडा रहता है, तो उसे कुछ एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। फैटल भी हो सकती है, उसके लिए डेंजरस भी हो सकती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को कुछ तो एनर्जी मिलेगी ना 25 डिग्री सेल्सियस की वजह से या रूम टेम्परेचर की वजह से, उस एनर्जी को बोलते हैं हम थर्मल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, तो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बात याद रखना। तो आपको ये समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी जो थर्मल है, क्योंकि ये एक दूसरे के मोशन को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट काइनेटिक एनर्जी थर्मल कितनी होगी? जीरो होगी। मूव तो कर रहे हैं पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो नेट कितना होगा? जीरो होगा। बच्चों देखो, आप ये देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको हमेशा पता है कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है कि नेट जो वेलोसिटी है वही क्या हो? जीरो हो, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो आपको भी पता है यहाँ से सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी थर्मल होगी हाफ मास ऑफ ऑल जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका इनटू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को यू एवरेज लिख लेते हैं, और ये सब कितने के बराबर? जीरो के बराबर। टोटल थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। हाफ मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल एनर्जी निकाल रहे हो ना आप थर्मल, तो हाफ सारे इलेक्ट्रॉन का मास और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी लोगे बराबर कितने के? जीरो के। इतना आपको समझ में आया। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आया कि हाफ कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास भी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो एवरेज वेलोसिटी ही रही होगी जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? जीरो आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी? जीरो रही होगी। और मैं यहाँ पे कौन सी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? जो थर्मल एनर्जी की वजह से आई, जो थर्मल एनर्जी है 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर की वजह से जो आई, उसे हम बोल रहे हैं थर्मल वेलोसिटीज़। ठीक है, तो आज से आप याद रखना ये यू एवरेज क्या है? थर्मल वेलोसिटी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और कुछ बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। अब हुआ क्या, मान लेते हैं कि U1 जो है वो थर्मल वेलोसिटी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसी U2 जो है वो थर्मल वेलोसिटी है सेकंड इलेक्ट्रॉन की। आप ये मान के चलो कि यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n मोल्स ही नहीं है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अगर हम पे UN मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, nth इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी निकाली जाए, तो वो UN होगी। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, U एवरेज होगा क्या? एवरेज होता है हमेशा सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर। आपको पता चला कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं n। ठीक है, साथ साथ ही लेके चलेंगे, पहले से बता के रखूँगा तो कोई दिक्कत बहुत हो जाएंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो जब नीट पढ़ रही है तब जोड़ रहे हैं ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके n है। तो एवरेज क्या होगा भाई? सम क्या होगा? U1 प्लस U2, चलते रहो U3 U4, आखिरी में UN ही आना है। तो U1 U2 समथिंग, कहाँ तक? UN तक, और अपन टोटल कितने हैं? n। ये सारी चीज़ें जीरो के बराबर होगी, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखो एवरेज कितना आ रहा है? जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कुल मिला के कितनी है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ और मास तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो थर्मल वाली है वही जीरो रही होगी। तो मैंने एवरेज ले लिया, कितना है? U1 प्लस U2 अप टू UN अपॉन n बराबर कितने के? जीरो के। U1 U2 UN आपको पता है क्या है? थर्मल वेलोसिटीज हैं इंडिविजुअल, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपको पता चला इतना होता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है आपकी, इसलिए कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं तब क्या होगा कि जब हम बैटरी लगा दें, जब हमने बैटरी लगा दी तो क्या होगा वो देखा जाएगा। तब केस 2 बनाया जाएगा उसे, जब हम बैटरी लगा देंगे तो अब हम बोलेंगे उसे केस 2। ठीक है, केस 2 बोला जाएगा। ठीक है, वाइट बोर्ड टेढ़ा हो गया क्या? चलो कोई नहीं, ऐसे देख लो।
हम कौन सा प्रोफेशनल है। चलो केस टू, केस टू देखते हैं। जब बैटरी अप्लाई करी, जब हम बैटरी को अप्लाई करें तो होगा क्या, ध्यान से देखना। अब हमने क्या करा, वही जो कंडक्टर है उसमें हमने बैटरी लगा दी, प्लस माइनस ऐसे लगा दी बैटरी, ए एंड बी एंड प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस होगा कि आपको भी पता है जैसे आप बैटरी लगाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन की भी ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो रोक दे उसे, सबके सब इलेक्ट्रॉन अपोजिट एंड मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब बी में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बी में ही मानते हैं ज़्यादातर, होंगे तो हर जगह फैले हुए, तो सब अपने लोकल से भागेंगे। ऐसे नहीं होगा कि सारे के सारे पहले यहाँ जमा होंगे फिर भागेंगे, नहीं, कोई यहाँ होगा यहीं भागेगा, यहाँ होगा यहीं भागेगा, यहाँ होगा यहीं भागेगा, यहाँ होगा यहीं भागेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागे ऐसे। अब ये होता कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, क्रोनोलॉजी समझिएगा, ठीक है। देखो कैसे, इसकी क्रोनोलॉजी समझिएगा कैसे है। सबसे पहले व्हेन बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड, जब हम एक बैटरी लगाएं जिसका पोटेंशियल वी है कहाँ, एंड की तरफ, ए और बी की तरफ, तो होगा क्या, तो होगा ये कि ए और बी एंड में पोटेंशियल्स डेवलप हो जाएंगे, जो कि क्या है, ए पे प्लस है और बी पे क्या है, माइनस है। अब क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। जब भी पोटेंशियल डेवलप होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को नहीं बनाती है, पोटेंशियल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे पोटेंशियल डेवलप होता है तो उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाती है या डेवलप हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। इतना आपको याद रखना है। तो जैसे हम बैटरी लगाते हैं जिसका पोटेंशियल वी है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जिसको हम ई बोल रहे हैं। और आपको बताइए, ई कुछ और नहीं होता, अगर इसका लेंथ एल होता तो ई कुछ नहीं होता, वी डी होता है, आर डी की जगह कितना एल है, तो ई इज इक्वल टू वी एल आ जाएगा। पुराने से ना पढ़ा है ना तुमने, ई कितना होता है, ओ सॉरी, V इज इक्वल टू ई डी होता है ना, तो E आ जाएगा V बाई एल, ठीक है। V इज इक्वल टू ई डी होता है ना, D का काम आज L कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। तो याद रखना क्रोनोलॉजी क्या है, V ने किसको बनाया, E को बनाया। V जैसी डेवलप हुआ, पोटेंशियल जैसी डेवलप हुआ, E बन गया। अब ध्यान से समझना क्या है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। याद करो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कोई चार्ज एंटर करता है, मतलब हर किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बैटरी ने बनाई, तो मान लो बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यह आपने सीखा है, या हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन वाला एक कंडक्टर था, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी एक्सटर्नल बैटरी की मदद से। तो अब क्या होगा, हर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ये आप याद रखना। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एवरी इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन, किसी की भी हिम्मत उसे रोकने की नहीं है, एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ। और बेटा फिर वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू, ये तुम पिछली क्लास से पढ़ के आए हो। क्यू की जगह आज मैं माइनस ई लेता हूँ, क्योंकि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस ई होता है,
तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस ई इंटू ई आई, ये आप याद रखना। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ई, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कैपिटल ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतनी बातें क्लियर। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसिस अ फोर्स गिवन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस ई ई, ड्यू टू विच हर एक इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट होगा बच्चों, बना वैसे दिया पर ड्रिफ्ट हुआ, पर ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, ये बात है। इस फोर्स की वजह से सब किसी को, हर इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, कहाँ से, बी से, किधर, ए की तरफ जो पॉजिटिव है, तो इस वजह से मोशन आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो क्रोनोलॉजी समझिए, बैटरी लगाई, ठीक है, वी डेवलप हुआ, ठीक है, इस वी ने क्या डेवलप करा, चारों तरफ कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वी बाई एल है। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने बनाया, बैटरी के पोटेंशियल ने, बैटरी के पोटेंशियल ने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया जो कि कितनी है, E इज इक्वल टू वी बाई एल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि चारों तरफ है, तो कंडक्टर के हर इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना है, माइनस ई ई है, और इसी फोर्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा या मोशन होगा उसका, किधर की तरफ, माइनस बी से प्लस ए की तरफ या पॉजिटिव एंड की तरफ, ये आपको समझ में आया। तो सबसे पहले बैटरी की वजह से वी बना, वी ने क्या बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगा, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, और फोर्स की वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ये आप याद रखना। ठीक है, इसकी वजह से हर उस पे एक्सेलरेशन आएगा, ये आप लोग याद रखना। इसका मतलब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, उसे देखने का एक तरीका तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से है, कितना, माइनस ई ई, पर अगर हर इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल एम होता और इस फोर्स ने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा अगर वो ए होता, तो आप फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते थे, हमेशा ही लिखते हो, तो काइनेमेटिकली आप फोर्स को लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में आप जो फोर्स लिखोगे वो होगा माइनस ई ई। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन हैं, या एक फोर्स को देखने के दो तरीके हैं। बच्चों मैं चाहूँगा यहाँ से ए निकाल लीजिए, तो आप बोलोगे माइनस ई ई बाई एम आएगा, ये हम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, आप याद रखना, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे। तो क्रोनोलॉजी समझ में आई, बैटरी लगाई, पोटेंशियल बना, पोटेंशियल ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन सारे एक्सेलरेट करना शुरू कर गए। ठीक है, एक्सेलरेशन को देखने के दो तरीके, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस ई ई, तो ए की वैल्यू माइनस ई ई बाई एम। याद रखना, जब बैटरी नहीं थी तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, इसका मतलब यू एवरेज बराबर यू वन प्लस यू टू समथिंग लाइक दैट, यू एन तक अपॉन एन बराबर जीरो। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। V ने E बनाया, E ने F बनाया, F ने एक्सेलरेशन बनाया, तो ये सारी आपको चीज़ें समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखो एक चीज, क्या देखोगे अब, अब ये देखो कि क्या तुम्हें ये पता चला कि अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या ये u जो आपकी थर्मल वेलोसिटी थी उसकी वजह से कर रहे हैं, नहीं, आज ये किसकी वजह से कर रहे हैं, आज ये बैटरी ने जो पोटेंशियल बनाया, उस पोटेंशियल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बनी, और उस फोर्स ने जो एक्सेलरेशन बनाया, उस एक्सेलरेशन की वजह से जो नई वेलोसिटी आई, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की वजह से ये मूव कर रहे हैं, जो बैटरी के पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर फोर्स, फिर एक्सेलरेशन की वजह से आया। माइंड इट, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको ये पता चला कि ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, तो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन एवरी इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट
एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन की वजह से हर इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया, जिसे हम वी बोलेंगे। बच्चों अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। तो वी वन हमारी वो वेलोसिटी है जो हमें इस एक्सेलरेशन की वजह से मिली। तो वी वन क्या होगा, यू वन, ठीक है, प्लस ए टी, ए टी वन, ठीक है, टी पे कुछ नहीं, ए पे आएगा। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वन हमारी पहली वेलोसिटी कंपोनेंट है जो हमें एक्स्ट्रा मिली एक्सेलरेशन की वजह से। थर्मल वेलोसिटी पहले से कितनी चल रही थी, यू वन, इसे भूल नहीं सकते ना भाई। अरे एवरेज जीरो है, इंडिविजुअल कहाँ है, जीरो, इंडिविजुअल तो लिखना पड़ेगा ना, यू नेट, वो ऐसे काट रहे थे एक दूसरे को इसलिए जीरो हुआ। एवरेज जीरो है बच्चों, एवरेज, इंडिविजुअल जीरो नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है जीरो, ठीक है, तो इसलिए लिखना पड़ा। तो वी वन आ गया यू वन प्लस ए टी वन, वी टू आ जाएगा आप पे यू टू प्लस ए टी टू, ऐसे चलता रहेगा आपका, आखिरी में आएगा वी एन, कितना, यू एन प्लस ए टी एन, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ यही जो आपकी फाइनल एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट आई, इसी का एवरेज ड्रिफ्ट है, तो मान लेना। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि ये जो आप पे एक्स्ट्रा वेलोसिटी आई, ये फाइनल वेलोसिटी है जिसमें थर्मल का भी कुछ कंपोनेंट है और जो हमें एक्सेलरेशन से ऑब्टेंड हुआ, ये ध्यान से देखो, तुम एक बात मानो, क्या एक्सेलरेशन वी माइनस जीरो बाई टी होता है? जीरो मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वाली नहीं, बैटरी वाली, बैटरी वाली जीरो मान ली इनिशियल, तो जीरो क्या लिखना फिर, वी की वैल्यू एक ए टी भी तो होती है, ए टी। तो आप ध्यान से देखना, ये जो वी है ना, ये नेट है, ये दो चीज़ से बना, जिसमें पहली वाली चीज़ थर्मल वेलोसिटी है और दूसरी वाली चीज़ एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी आई वो है। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट है, थर्मल का भी है और इलेक्ट्रिकल या एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट भी है, इस वजह से उसे फाइनली वी कहा जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना। नाउ वी डी जो होता है, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज जो आपके नेट है, जितनी भी नेट वेलोसिटी आई है, जैसे मतलब वी वन है थर्मल प्लस इलेक्ट्रिकल, वी टू भी है थर्मल प्लस इलेक्ट्रिकल, वी एन भी है थर्मल प्लस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब एक्सेलरेशन वाली, उनका ये एवरेज है। तो एवरेज है, इसका मतलब वी डी कुछ और नहीं होगा, क्या होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम, ठीक है, अपॉन कितना, नंबर, ऐसे सम अपॉन नंबर, ऐसे, बहुत बढ़िया, वी डी आपको समझ में आ गया, शाबाश, सॉरी। अब देखो वी डी होगा कितना, तो तुमने बोलना था सर कुछ ना करो वैल्यू डालो, तो वी डी होगा कितना, वी वन देखो कितना होगा, वी वन की वैल्यू है यू वन प्लस ए टी वन, वी टू देखो कितना होगा, तो वी टू होगा यू टू प्लस ए टी टू, ठीक है, सो ऑन ऐसे करते रहेंगे, आखिरी में क्या आएगा, यू एन प्लस ए टी एन आएगा, और होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, एन आएगा, ठीक है। बच्चों भाई भाई साथ में ले लो, भाई भाई साथ में लेने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करो, आप लोग सिर्फ इतना करो कि ये इसका भाई कौन है, ये इसका भाई कौन है, ये U वाले सब साथ में ले लो, तो वी डी की वैल्यू कितनी आई, हमने लिखा U1 प्लस U2 एंड सो ऑन करके कितना, UN, ठीक है। बच्चों जब हमने ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ साथ में लिख लिए, तो बचा क्या, ए टी वन, वहाँ क्या बचा, ए टी टू, यहाँ क्या बचा, ए टी एन। तो समझदार बच्चों, ए कॉमन ले लो, नेक्स्ट टर्म से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लिया तुमने, तो तुम पे बचा टी वन टी टू सो ऑन करके कहाँ तक, टी एन तक, तो टी वन प्लस टी टू और सो एन सो ऑन करके कहाँ तक, टी एन तक, होल डिवाइडेड बाई कितना, एन, शाबाश बच्चों। अब इन्हें सेपरेट करो, इन्हें क्या कर दो,
सेपरेट कर दो। अच्छा, वो जो यू एवरेज वाली थी उसे फर्स्ट इक्वेशन लेना, और जो एक्सेलरेशन वाली बनाई थी उसे सेकंड लेना, ठीक है? तब ही बात बन पाएगी, ठीक? एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लेना, ठीक है? शाबाश।